अग्निशमन विभाग द्वारा गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगने जैसी आपातकालीन स्थिति निपटने से व उसे बचने के लिए कैंप लगाकर जानकारी दी गई। शिविर में अग्निशमन दल के CO प्रमोद शर्मा ने निर्देशन में गैस सिलेंडर में आग बुझाने, आपातकालीन स्थिति में स्ट्रेचर बनाने, अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करने जैसी जानकारी दी। इस अवसर पर लोगों ने स्वयं आग बुझाकर ट्रायल किया। CO प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग लगने के बाद जागरूकता के अभाव में लोग घबरा जाते हैं और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, जिसके लिए अगर सिलेंडर में रेगुलेटर लगा हो तो उंगली से ही आग बुझाई जा सकती है। ऑक्सीजन को बंद करने के लिए पानी से भीगा हुआ कपड़ा लेकर तेजी से उसके चारों ओर मारकर आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। आग लगने की स्थिति में मिट्टी का प्रयोग करें। अगर घर में मिट्टी नहीं है तो गमला आदि का प्रयोग करें। छोटी आग ही बड़ी आग का रूप धारण करती है। इस जागरूकता के कार्यक्रम में चिकित्सक मरीजों के साथ साथ गैस एजेंसी संचालक व अन्य लोग बढ़ चढ़ कर हमने मुहिम छेड़ी है कि हर हॉस्पिटल को अग्नि सुरक्षा से हम एकदम पारंगत करेंगे, सब लोगों को सिखाएंगे क्या करना है, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो क्या करना है, या कोई आग का अगर कोई हादसा होता है तो उस टाइम पे क्या करना है। और मैं इसका पूरा जो एक श्रेय है वो यहाँ के क्वालिटी डिपार्टमेंट को देना चाहूँगा, जिन्होंने हर हॉस्पिटल के अंदर एक क्वालिटी इंश्योरेंस वाला जो प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया है कि सेफ्टी से रिलेटेड और जो लोगों की सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड पूरा जो एक कार्यक्रम है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसी में एक छोटा सा हमारा भी एक आहुति है उस हवन में कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो सारे सुरक्षित रहें और जो लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सर, ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है प्रदेश के अंदर या फिर पूरे देश में चल रहा है? एक्चुअली पूरे देश में कोई ना कोई सेफ्टी के प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन जो जो जनपद मथुरा है उसके अंदर अभी जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने सामुदायिक केंद्र हैं, हम उनसे स्टार्ट किया है ताकि ऑलमोस्ट लोगों का कहना रहता है कि जी गवर्नमेंट की बिल्डिंग के अंदर सेफ्टी अवेलेबल नहीं है लेकिन आप प्राइवेट का चेक करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं उनको भी चेक कर रहा हूँ, उनके अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितनी एजेंसीज हैं, उनके अंदर ये कार्यक्रम जो है स्टार्ट करने का। आम लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम लोगों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा, ऑलमोस्ट लोग सोचते हैं कि हमारे को आग बुझानी है या कोई इंसिडेंट हो गया उस पर काबू पाना है तो ऐसे उपाय करने चाहिए कि आग लगे ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमेशा ये एक ध्यान में रहे कि जो प्रिवेंशन है वो फायर फाइटिंग से कहीं आगे है। तो हमारे को अपने आप को पहले सुरक्षित करना चाहिए, कोई ऐसा घटना हो ही ना उसके लिए हमारे को उपाय करने चाहिए, अपने घरों में सेफ्टी उपकरण रखने चाहिए और एक साफ सफाई जो है हर जगह हमारे को रखनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छी हाउसकीपिंग है बहुत बड़े हादसों को टालती है। कई बार ऐसा ही होता है कि कहीं पर कूड़ा करकट का ढेर है उसमें लोग सिगरेट पी के डाल जाते हैं, बाथरूम वगैरह में कूड़े की कचरे में आप सिगरेट पी के डाल देते हैं तो उसी से जो आग है वो लगती है और बड़ा हादसा उससे होता है। सर, आज ये क्या कार्यक्रम रखा गया है आपके हॉस्पिटल? देखिए, आज दिनांक 25 तारीख को आपके जो फायर ब्रिगेड वाले जो CO साहब हैं उनके माध्यम से आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन पर हमने एक मॉक ड्रिल ट्रेनिंग सभी सारे स्टाफ की और सारे जो मरीज आए हुए हैं उनके लिए रखी गई थी, जिसमें हमें बताया गया इनके द्वारा कि कोई भी आग से संबंधित हादसा होता है तो उसे कैसे निपटा जाए और कैसे उससे बचा हो। और आपको किस यहाँ इन्होंने जितना कुछ दिखाया आपने भी देखा तो क्या कुछ बेनिफिट देखे और कितना कुछ रिलीफ मिलने की आसार दिखे? देखिए, इन सब चीज़ों से ट्रेनिंग से एक तो सबसे पहली जो बात है कि जो एक आग को देख के जो भय है वो ख़त्म हुआ कि इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे इसका समाधान कैसे होता है उन्होंने बताया, उन सबको हमने सीखा है और उनसे बचा हुआ। सर, स्टाफ ने भी इसमें भाग लिया है? बिल्कुल, पूरे स्टाफ ने भाग लिया, सारे मरीज आसपास के लोगों को बुलाया गया, गैस एजेंसी वाले भी आए थे, भी हॉकर वगैरह भी थे साथ में, उन्होंने भी काफ़ी लाभ लिया। सुरक्षा की दृष्टि से कितने सिलेंडर हॉस्पिटल में लगे हुए हैं? सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास जो मेन जहाँ पे लाइट का वो है, जहाँ पे हमारा पावर सप्लाई है वहाँ पर लगा हुआ है, वार्ड में लगा हुआ है एक लेबर, जहाँ जहाँ जरूरत होती है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।